कोरोना उपायों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है, वहीं हाईकोर्ट की अन्य बेंच की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर छपी खबर पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया। खबरों के अनुसार रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर अदालत ने गंभीरता जताते हुए नकेल कसने तथा जिला सत्र न्यायालय में चल रही इससे संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द कराने के आदेश जारी किए थे। संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति पर अदालत की ओर से जिला सत्र न्यायालय से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुसार बुधवार को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। न्यायाधीश सुनील शुक्ल और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने रिपोर्ट की कॉपी सरकारी पक्ष और अदालत मित्र को उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर एक सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत मित्र के रूप में श्रीरंग भंडारकर ने पैरवी की। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित मामलों की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की ओर से 9 जून 2021 तक की डेडलाइन निश्चित की गई थी। हाईकोर्ट की ओर से 6 मई 2021 को जारी किए गए आदेश पर सुको द्वारा रोक लगाए जाने की जानकारी अदालत के समक्ष उजागर की गई थी, किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह से कहीं भी रोक नहीं लगाए जाने का खुलासा हुआ, जिस पर निचली अदालत में प्रलंबित इस तरह के सभी मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को दिए थे। रिपोर्ट में इन मामलों की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है, इसका खुलासा करने के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यदि सुको के समक्ष कोई मामला लंबित हो तो रिपोर्ट में सुको के आदेश भी जोड़ने को कहा गया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।